मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन इंदौर को एक और सौगात दी है। उन्होंने भोपाल पहुंचकर दो वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वंदे भारत भोपाल से इंदौर के बीच उज्जैन होते हुए गुजरेगी। इस ट्रेन के स्वागत के लिए शहर की जनता इंतजार कर रही थी। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर एक पर पहुंची, यात्रियों के साथ शहर की जनता ने वंदे भारत ट्रेन का जोरदार स्वागत किया। इस ट्रेन में भोपाल से मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन तक का सफर किया। तो वहीं भोपाल से बैठकर उज्जैन पहुंचे वंदे भारत ट्रेन पहुंचने के पहले रेलवे स्टेशन को दुल्हन की तरह सजाया गया था। स्थानीय सांसद अनिल फिरोजिया एवं इंदौर के सांसद शंकर लालवानी मंच पर मौजूद रहे और यहाँ पर रेलवे रतलाम मंडल के DRM रजनीश कुमार ने अतिथियों का स्वागत किया। सांसद अनिल फिरोजिया एवं शंकर लालवानी ने बाबा महाकाल की तस्वीर को अपने साथ उज्जैन से इंदौर तक का सफर कराया। देखिए, इस रीजन के लिए आज बहुत ही एक तरह से उत्सव का दिन है, जो कि बहुत प्रतीक्षा थी इस ट्रेन की कि वंदे भारत, जो कि हमारे देश का गौरव है ट्रेन के मामले में, और वो इस क्षेत्र को मिली है। और पूरे मध्य प्रदेश में ये दो वंदे भारत आज एक साथ मिल रही हैं, इसलिए बहुत ही उल्लेखनीय दिन है। जैसा आप सबको मालूम है, वंदे भारत ट्रेन बहुत ही विशेष खूबियों वाली ट्रेन है यात्री सुविधाओं के मामले में, और उससे भी बड़ी बात यह है कि आत्मनिर्भर भारत के जो मिशन है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसके तहत से भारतीय रेलवे ने पूरी तरह से खुद ही निर्मित किया है। और देखने में ये विदेशों में चलने वाली ट्रेनों से किसी भी मामले में कम नहीं है, बल्कि कुछ यात्रियों का कहना है कि विदेशों की ट्रेनों से इसमें यात्री सुविधाएँ ज़्यादा अच्छी हैं। तो ये इस क्षेत्र के लोगों के लिए और हम लोगों के, आज वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और हमारे रेल मंत्री जी का, वैष्णो जी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आभार। जो मैं सतत मांग कर रहा था कि वंदे भारत ट्रेन हमारे उज्जैन से भी प्रारंभ की जाए, और क्योंकि जब से बाबा महाकाल लोक का माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पित करा है, तब से दिन प्रतिदिन तीर्थयात्रियों की संख्या पे बढ़ रही है, जिससे कि असुविधा हो रही थी। अब ये इंदौर उज्जैन भोपाल होते हुए जो वंदे भारत ट्रेन है, जिसके कारण यहाँ के लोकल लोगों को भी बहुत सुविधा मिलेगी और तीर्थयात्री दर्शनार्थियों को भी उज्जैन आने जाने के लिए बहुत सुगम हो गया है, सुविधा हो गई है। उसके लिए मैं पुनः वंदे भारत उज्जैन को दिए जाने के उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी का बहुत बहुत आभार। आज प्रधानमंत्री जी ने हरी झंडी दी है भोपाल से, और कितनी ट्रेनें चल रही है आज? उन्होंने देश में लगभग चार ट्रेनें, पांच ट्रेनें, सॉरी आपको बता दें कि यह ट्रेन देश के सपनों को साकार करने वाली ट्रेन है, जहां महाकाल लोक में बढ़ते हुए श्रद्धालुओं को देखते हुए वंदे भारत ट्रेन की मांग केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी कुमार से की गई थी, और उन्होंने इस ट्रेन की स्वीकृति देकर उज्जैन को एक नई सौगात दी है। उज्जैन से विमल बैंडवाल की रिपोर्ट।